जैसे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुहावरे के बारे में, ठीक है। इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं वही मैंने रखे हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं और आने की संभावना है, ठीक है। तो मुहावरा होता क्या पहले ही समझेंगे। ऐसे वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराएँ वो मुहावरा कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्षणार्थ के लिए किया जाता है, ठीक है। अब कुछ बहुत सारे मुहावरे मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। मुहावरों के भेद वगैरह भी होते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ क्वेश्चन जो है मुहावरा से पूछा जाता है, ठीक है। तो सीधे मुहावरा पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मुहावरे दिए गए, ठीक है। मैं उसका जो मुहावरे का अर्थ है वही बताऊँगा, बाकी और चीज़ नहीं बताऊँगा। जैसे कि जो मुहावरे का अर्थ प्रयोग करके दिया गया वो नहीं बताऊँगा, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना इसका होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, अंक भरनाक हो जाएगा, स्नेह से लिपटना, लिपटा लेना टिक्का, क्योंकि थोड़ा मुहावरा इसमें ज़्यादा है इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए तो टाइम को बचाना, ठीक है। अंग टूटना का अर्थ होगा थकान का दर्द, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट होगा अक्ल का चरने जाना, समझ का अभाव होना। अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना, तो स्वावलंबी होना। नेक्स्ट हो जाएगा अक्ल का मूर्ख, अक्ल का दुश्मन उसको कहेंगे मूर्ख। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना, अंगारों पर लेटना, डा होना, दुख सहना, ठीक है। ऊँटा दिखाना, समय पर धोखा देना, अचरा पसारना, मांगना या याचना करना, ठीक है। अगला है अंटी मारना यानी चाल चलना, अंडबंड कहना, बुला बुरा कहना या अंडसंड कहना, ठीक है। अंधाधुन लुटाना, बिना विचारे बे अंधा बनना, आगे पीछे कुछ ना देखना। नेक्स्ट है अंधा बनना, धोखा देना, ठीक है। अंधा बनाना और अंधा बनना, ठीक है। अंधा बनना कहते हैं आगे पीछे कुछ ना देखना, और अंधा बनाना धोखा देना, ठीक है। अंधा होना का विवेक भ्रष्ट होना, ठीक है। अंधे की लकड़ी एक ही सारा। नेक्स्ट है अंधेर खाता अन्याय, जिसको कहेंगे अंधेर नगरी जहाँ धांधली का बोलबाला हो, अकेला दम, अकेला यानी कि, ठीक है। अकल की दुश्मन अपने को बड़ा होशियार लगाने वाला, ठीक है। अगले ज़माने का आदमी सीधा साधा ईमानदार, ठीक है। नेक्स्ट होएगा अढ़ाई दिन का हुकूमत, कुछ दिन की सानो सौकत, ठीक है। नेक्स्ट है अनजल उठना, रहने का संयोग ना रहना या मरना, ठीक है। अनजल करना यानी जलपान करना, ठीक है। अगला है अत्र लगना यानी स्वस्थ रहना, ठीक है। अपना काम अपना किया पाना, कर्म का फल भोगना, ठीक है। नेक्स्ट है अपना समूह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, ठीक है। मैं मुहावरे का जो प्रयोग करके दिया गया वो नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मुहावरे का अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी स्वार्थी होना, अलग रहना। अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना, संकट मोल लेना, अब तब होना, परेशान करना या मरने की करीब होना, ठीक है। अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना, अंगारे उगलना, कठोर और कड़वी बातें कहना। नेक्स्ट है अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या से व्याकुल होना, उंगली उठाना, किसी के चरित्र या ईमानदारी पर संदेह व्यक्त करना, उंगली पकड़कर पहुंचना, थोड़ा पाकर अधिक पाने की कोशिश करना, सॉरी उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा थोड़ा पाकर अधिक पाने की कोशिश करना। अंगूठा छाप यानी अनपढ़, अंगूर खट्टे होना, कोई वस्तु ना मिलने पर उसे विरक्त होना, ठीक है। अंजर पंजर ढीला होना, शरीर शिथिल होना है, बहुत थक जाना, ठीक है। नेक्स्ट है अंडे सेना, घर से बाहर ना निकलना, घर में ही बैठे रहना, ठीक है। अतड़ियों के बल खोलना, बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन करना, ठीक है। अतड़ियों में बल पड़ना यानी पेट में दर्द होना, अंतिम घड़ी आना, मौत के निकट आना, अंधा बनना, ध्यान ना देना, अंधे के हाथ बटे लगना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, ठीक है। नेक्स्ट है अंधे को दो आंखें मिलना, मनोरथ सिद्ध होना, अंधेर मचाना, अत्याचार करना,
अकल का अंधा यानी मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, अकल के पीछे लठ लेकर फिरना, हर वक्त मूर्खता का काम करना। अगला है अकल घास चरने जाना, वक्त पर बुद्धि का काम ना करना, ठीक है। नेक्स्ट है अकल ठिकाने लगना, गलती समझ में आना, अगर मगर करना, तर्क या टाल मटोल करना, अपना रास्ता नापना, चले जाना, अपना सिक्का जमाना, अपनी धाक या प्रभुत्व जमाना, अपना सिर उखली में देना, जानबूझकर संकट मोल लेना, ठीक है, अपनी खाल में मस्त रहना, अपने आप में संतुष्ट रहना, ठीक है। नेक्स्ट है अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अंगारों पर पैर रखना, अपने को खतरे में डालना, इतराना, अकल का अजीर्ण होना, आवश्यकता से अधिक अकल होना, ठीक है, अकल दंग होना, चकित होना, अकल का पुतला बहुत बुद्धिमान, ठीक है। नेक्स्ट होगा अन्न पाना यानी भेद पाना, अंत पाना यानी भेद पाना। अगला हो जाएगा अंतर के पेट खोलना, अंतर के पट खोलना यानी कि हो जाएगा विवेक से काम लेना, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अकल के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना, अपने दिनों को रोना, अपनी स्वयं की दुर्दशा पर शोक प्रकट करना, अलाउद्दीन का चिराग, आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु, अल्लाह को प्यारा होना, मर जाना, अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना, ठीक है। नेक्स्ट है अंग अंग मुस्कराना यानी अति प्रसन्न होना, अगले के पीछे लठ लिए फिरना, हर समय मुक्तापूर्ण कार्य करना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अगवा करना, अपहरण करना, अति करना यानी मर्यादा का उल्लंघन करना, बहुत सारे हैं, इसलिए जो है जल्दी करवा रहे हैं। अपना अपना राग लपना, किसी की ना सुनना, अपनी राम कहानी सुनाना, अपना हाल बताना, अरमान निकालना, इच्छा पूरी करना, अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले सम्मान होते हैं का सम्मान होना, ठीक है। अगला है अंकुश देना यानी कि दबाव डालना, अंग में अंग चुराना यानी शर्माना, अंग अंग फूले न समाना, आनंद विभोर होना, अंगार बनाना, लाल होना, क्रोध करना, अंडे का सजादा अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है, अटकेलियाँ सूझना, दिल्लगी करना, अंधेरे मुँह यानी पाता का तड़के। अगला है अड़ियल लट्टू, रुक रुक कर काम करना, अपना घर समझना, बिना संकोच व्यवहार, अड़चन डालना, बाधा उपस्थित करना, अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना, अरण चंद्रिका यानी निष्प्रयोजन पदार्थ, ठीक है। अब ये बड़े आज से जो भी स्टार्ट होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। आँख भर आना यानी आंसू आना, आँखों में बसना, हृदय में समाना, आँखें खुलना, सचेत होना, आँख का तारा बहुत प्यारा व्यक्ति, आँखें दिखाना बहुत क्रोध करना, आसमान से बातें करना बहुत ऊंचा होना, ठीक है। तो नेक्स्ट है आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष को आने ना देना, ठीक है। नेक्स्ट है आठ आठ आंसू रोना, बहुत तरह पछताना, आसन डोलना, लुब्ध या विचलित होना, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। अगला है आकाश छूना, बहुत तरक्की करना, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक उद्योग परिश्रम करना, आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना, आँच आना हानि कष्ट पहुंचाना, आंचल पसारना, प्रार्थना करना, किसी से कुछ मांगना। अगला है आँतें बुलबुलाना यानी बहुत भूख लगना, आँतों में बल पड़ना, पेट में दर्द होना, आंधी के आम होना, बहुत सुस्त होना, आंसू पीना या पीकर रहना, दुख या कष्ट में भी शांत रहना, आकाश का फूल होना, अप्रिय वस्तु, ठीक है, आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव का कार्य करना, आग उगलना का अर्थ होगा कड़वी बातें करना, ठीक है। अगला है आग पर लौटना, ईर्ष्या से जलना, आग में घी डालना, क्रोध और भड़काना, आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पर ऐन मौके पर प्रयास करना, ठीक है, आग लगाकर तमाशा देखना, दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना, ये बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, ठीक है, दूसरों में झगड़ा लगा के अलग हो जाता है, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना, दुनियादारी का ज्ञान होना,
या कटु परिस्थिति का अनुभव होना, ठीक है। आग से खेलना, खतरनाक काम करना, आग हो जाना, अत्यधिक क्रोध हो जाना, आग का पीछा ना सोचना, ठीक है। कार्य करते समय हानि लाभ के बारे में ना सोचना, ठीक है। आजकल करना यानी टाल मटोल करना, आटे के साथ घुन पिसना, अपराधी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलना, ठीक है। नेक्स्ट है आड़े हाथों लेना, जड़जड़ाना, बुला बुरा भला कहना, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल वस्तुएं, आसमान पर उड़ना, थोड़ा पैसा पाकर इतराना, आसमान पर चढ़ना बहुत अभिमान करना, आसमान पर थूकना, किसी महान व्यक्ति को बुरा भला कहना, ठीक है। नेक्स्ट है आसमान पर मिजाज होना, अत्यधिक अभिमान होना, आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक ऊधम मचाना, आसमान सिर पर टूट पड़ना बहुत मुसीबत आना, ठीक है। आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक परेशानी से निकलकर दूसरे परेशानी में आना, ठीक है। आस्तीन चढ़ाना, लड़के को तैयार होना, आ लेना बद्दुआ लेना यानी। नेक्स्ट है आंधी के आम, बिना परिश्रम के मिली वस्तु, ठीक है। अगला हो जाएगा आखिरी सांसें गिनना, मरणासन्न होना, आग देना, मृतक का दाह संस्कार करना, आफत का मारा दुखी, आफत मोल लेना, व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आओ देखा ना ताओ, बिना सोच विचार के काम करना, ठीक है। अगला हो जाएगा आहुति देना, जान न्यौछावर करना, आग का पुतला क्रोधी, आग पर आग डालना, जले को जलाना, आग पर पानी डालना, क्रोध को शांत करना, लड़ने वालों को समझाना बुझाना, ठीक है। आग पानी का बैर, सहज बैर, ठीक है। आग बोना, झगड़ा लगाना, आग लगाकर पानी को दौड़ाना, पहले झगड़ा लगाकर फिर उसे शांत करना या शांत करने का यत्न करना, ठीक है। आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना, आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना, आन की आन में फौरन ही आग रखना, मान रखना, आसमान दिखाना, पराजित करना, आड़े आना, नुकसान दे, अज्ञा बहुत बेताल क्रोधी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मुहावरे के और मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पर आपका रिव्यू भी देखना चाहेंगे, ठीक है, कि मुहावरे का आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट मिलेंगे, तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू आगे कर देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ और बनाएंगे, जो MCQ चल रहा है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था मुहावरे का वीडियो बना दीजिए, और इसलिए मैंने ये बना दिया, ठीक है। अगर सबको पसंद आता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, नहीं तो फिर आपके लिए हिंदी का MCQ बनाएगा, ठीक है। और काफ़ी देर भी हो गई, नाइट हो गई है काफ़ी, ठीक है, रात हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक यू।